जब से हम लोग का छोटा सा घर है, छोटा सा फैमिली है, फिर भी 1200 1500 2000 आता है बिजली का बिल। गरीब फैमिली कैसे दे। ये पहले तो हर आइटम घर में 2 किलो 4 किलो 5 किलो, अब तो आधा किलो ही में ही गुजारा हो जाए, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। हमें तो नहीं लगता है, इतने पढ़े लिखे लोग बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, उस पर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। वो मंदिर अपनी जगह है, लेकिन रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी जिएगा कैसे, कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएगा कैसे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगी तो बच्चों का भविष्य नहीं रहेगा। रोजगार के मामले में तो यही है कि बीजेपी नहीं आ सकती। उनसे उनको वोट देने का प्रयास करेंगे। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं दीदी आप? जानकीपुरम विस्तार से। जानकीपुरम से दीदी आप कहाँ से आई हैं? वहीं से आई हैं, लेकिन हम लोग महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है आपको? महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा महंगाई है, गरीब गरीब परिवार तो सुकून से खाना भी नहीं खा पा रहा है। तो कैसे कैसे महंगाई कम होगी? अब ये तो सरकार ही काम करेगी ना, जिस हिसाब से सरकार जो है, गैस जहाँ 400 रुपये का था यहाँ 1200 रुपये का हो गया है। हर एक चीज़ तो महंगा है, किराए भी महंगे हैं, बताइए कैसे गरीब परिवार चले। सरकार पे भरोसा है आपको? भरोसा तो है, काम करेगी तो भरोसा है, नहीं तो फिर नहीं है। इस बार किसकी सरकार 24 में क्या है? लगता है आपको आपकी कि यहाँ पर? हमें तो नहीं लगता है कि अब की बार आएगी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं आएगी। नहीं, बीजेपी सरकार नारा देती है कि इस बार महंगाई पे मार बीजेपी सरकार, यानी कि महंगाई अब कम होगी। महंगाई कम करने के लिए तो बिजली बिल भी उन्होंने माफ़ किया था, जो कि नहीं माफ़ हुआ है, और भी कुछ ऐसी थी कि जो है इस माफ़ करने के लिए उन्होंने बोला था, वो भी उन्होंने माफ़ नहीं किया। और बिजली बिल हम जब से स्मार्ट मीटर लग गया, जब से हम लोग का छोटा सा घर है, छोटा सा फैमिली है, फिर भी 1200 1500 2000 आता है बिजली का बिल। गरीब फैमिली कैसे दे। राधे आप लिखे हैं तो कहीं से घूम के आ रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं? हम लोग हनुमत धाम से आ रहे हैं। हनुमत धाम से आप आ रहे हैं, तो जो आप रसोई का काम आपके पास होता है, महिलाएं अधिकतर रसोई का काम करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि किचन अब भरी नहीं होती है पहले की तरह? पहले की तरह तो बिल्कुल ही नहीं रहती है। पहले तो हर आइटम घर में 2 किलो 4 किलो 5 किलो, अब तो आधा किलो ही में ही गुजारा हो जाए, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। बीजेपी पार्टी तो राम मंदिर की बात करती रहती, तो क्या ये मान लिया जाए कि मुद्दों से भटका रही है, या फिर राम मंदिर भी जरूरी है? राम मंदिर भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ गरीब जनता का भी देखभाल करना जरूरी है। क्योंकि आदमी जो मजदूर है उसको काम नहीं मिल रहा है, कितने लोग बेरोजगार हैं, जब वो उनके पास रोजगार नहीं रहेगा तो लोग खाएगा क्या? इस वजह से जो है वो इधर उधर भटक रहा है। कहती है कि बीजेपी है तो रोजगार है। हमें तो नहीं लगता है, इतने पढ़े लिखे लोग बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, उस पर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। तो क्या इस बार बदलेंगी सरकार को आप? हमारा तो यही कहना है कि अब की बार बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी तो आप राम मंदिर की बात यह बीजेपी सरकार करती रहती है, अगर राम मंदिर के मुद्दों को अगर बीजेपी आगे रखती है तो क्या बीजेपी जीत सकेगी? राम मंदिर तो वो तो बात सही है कि वो हिंदुओं का धर्म है राम मंदिर, हमारी जन्मभूमि है राम मंदिर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब परिवार के पास जब खाने को नहीं रहेगा तो राम मंदिर कैसे जाएगा देखने। आदमी के पास जब रोजगार रहेगा तभी आदमी जाएगा राम मंदिर देखने या और कहीं भी देखने। हम लोग यहीं लखनऊ में ही रहते हैं, लेकिन कितने कितने साल हो जाते हैं हम लोग निकल नहीं पाते हैं घूमने के लिए। रहेगा कि मंदिर या रोजगार? रहना चाहिए, रोजगार भी रहना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि मंदिर ना रहे, मंदिर भी रहना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए गरीबों के पास, वो दोनों के पास होना चाहिए। मंदिर भी तो वो मंदिर अपनी जगह है, लेकिन रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी जिएगा कैसे, कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएगा कैसे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगी तो बच्चों का भविष्य नहीं रहेगा। जो पढ़ाई का मुद्दा है तो उन्होंने तो एकदम से ही ठप कर दिया है। शिक्षा की बात आप करें तो जो फीस वगैरह वो भी महंगी हो रही है। महंगी हो रही है, राइट टू एजुकेशन का एक स्कीम चला था सरकार की तरफ से, वो भी गवर्नमेंट ने जब से कोरोना का वो हुआ तो उन्होंने ना बच्चों का फीस दिया स्कूल में, ना ही जो है बच्चों के अकाउंट में। स्कीम तो कांग्रेस पार्टी के समय था, वो 2009 से चल रहा है, लेकिन वो तब चल रहा था, बराबर चल रहा था, लेकिन इधर कोरोना काल से बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, ना बच्चों का आ रहा पैसा, ना गवर्नमेंट, ना स्कूल का आ रहा। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम वंदना सिंह है। क्या करती हैं आप? हमारी एक छोटी सी संस्था है मॉडर्न ग्रामीण जन कल्याण समिति, उसके माध्यम से आप क्या कुछ करती हैं? गरीब बच्चों का वही एजुकेशन, वही राइट टू एजुकेशन से एडमिशन करवाते हैं जी, और बाकी एक संस्था में और हम जुड़े हैं, बालाजी ग्रामोद्योग, यही मेडिकल कॉलेज से ही, उसमें हम विकलांग बच्चों को जो हो सकता है संस्था द्वारा विकलांग बच्चों को जो है प्रोवाइड करवाते हैं। आपका नाम क्या है?
बोलेंगी आप? आपको लगता है कि महंगाई है? हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हैं। दीदी मेरा आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा कि 24 का चुनाव नज़दीक है, महिलाओं का वोट बैंक जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये कहा जाता है कि महिलाएं हैं तो ये देश है, क्योंकि हमारे देश में जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करते हैं। हम लोग पढ़ते आए संस्कार और संस्कृति की हम बात करते आए हैं। क्या आपको लगता है कि 2024 में अगर बीजेपी महिलाओं को जो है आगे नहीं रखती है, महिलाओं के मुद्दों पर काम नहीं करती, तो बीजेपी को झटका लग सकता है? अब ये आगे के बारे में ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन रोजगार के मामले में तो यही है कि बीजेपी नहीं आ सकती है। आपका वोट बीजेपी को नहीं इस बार? हमारा 2 साल से नहीं जा रहा है वोट। हम 2 साल से वोट नहीं दे रहे हैं। महिला हैं आप, महिलाओं के दर्द को समझते हैं, आपने अखबार पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चला खिलाड़ियों को लेकर, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर ये कहा जा रहा था कि उनको जेल में डालना चाहिए, उन्होंने महिलाओं के साथ जो है अत्याचार किया है। क्या आपको लगता है कि उस मुद्दे पर सरकार को चुप्पी तोड़नी चाहिए? इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो है यहाँ पर एक सवाल मेरा अंतिम आपसे रहेगा कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर क्या बीजेपी सरकार ठीक काम कर रही है? सब जगह तो ये दिखा रहा महिला सुरक्षित हैं, लेकिन रोज डेली रेप हो रहा है, यहाँ रेप हो रहा, वहाँ रेप हो रहा, कोई बच्चियाँ सुरक्षित है? 10-12 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा, कौन सुरक्षित? सरकार आके देख रही है उसको, वो तो बेचारे गरीब परिवार जिसके साथ हो रहा वो तो रो भी लग के मर जा रहे हैं। इसके बावजूद भी वोट डाले जाते हैं, महिलाएं जो है बीजेपी को ही वोट देती हैं अधिकतर। वो तो उनको सोचना चाहिए ना कि हमको सही चुनाव करना चाहिए, लेकिन अभी यही एक हफ्ते की बात है, दुबग्गा में 13 साल की लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने गैंगरेप किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अब इसके आगे हम क्या बताएं? बाकी जितना भी रेप का कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित है, कहीं नहीं सुरक्षित है महिलाएं। कानून व्यवस्था को भी जो है मजबूत होने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है कानून व्यवस्था को मजबूत। योगी आदित्यनाथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम योगी आदित्यनाथ को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जो काम करना चाहते हैं तो बेरोजगार को रोजगार दें और शिक्षा पे भी काम करें, क्योंकि बच्चे बहुत ही जो है बिना पढ़े हो रहे हैं। आजकल के बच्चों का भविष्य पढ़ाई से ही रुक जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ज़्यादातर तो बड़े घर के लोगों के बच्चे पढ़ लेते हैं, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। वो दो क्लास 4 क्लास 5 क्लास पढ़ा के बच्चों को काम पर लगा दे रहे हैं, कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं, घर में कोई है नहीं देखने वाला तो काम कर रहे हैं घर के। बाल मजदूरी की आप बात कर रहे हैं कि बाल मजदूरी भी बरकरार है? जी अभी भी है बरकरार, इसको भी रोकना चाहिए। घूंघट प्रथा जो है लगातार बात की जाती है कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन घूंघट आज भी महिलाएं करती हैं, क्या ये विशेष मुद्दा है? हमें तो नहीं लगता कि घूंघट करती हैं महिलाएं। गांव की राजनीति की बात करें, गांव में भी अब नहीं रह गया है ये सब। जी नहीं, हाँ। तो देखा कि आपने यहाँ पर एक महिला ने अपनी बात को रखा, महंगाई के मुद्दे को रखा कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी को संदेश दिया और ये भी कह दिया कि 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि रोजगार की बात की गई, शिक्षा की बात की गई कि फीस बढ़ा दी गई है, और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर की बात करें, बुनियादी वस्तुओं की बात करें, चीज़ों की बात करें, उन पर भी योगी सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया, बीजेपी ने कोई बड़ा काम नहीं किया। जब 24 को लेकर सवाल पूछा गया तो यही सामने निकल कर आया कि बीजेपी सरकार को है वोट नहीं देंगे, लेकिन महिलाओं का दर्द यही है कि आप जो है उनकी सुरक्षा के लिए काम करें, आप महंगाई को कम करें, और कहीं ना कहीं आप जो है यहां पर जो संसाधन है उनकी उपलब्धता आप करवाएं। अब देखना यह पड़ेगा कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद, महिलाओं को की आवाज सुनने के बाद बीजेपी क्या कुछ कहेगी, क्या प्रतिक्रिया लेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।